सीट चेंज कर दिया मेरे हस्बैंड के, इसके सीट पे भेज दिया और ये मेरे पास आ गई है और थोड़ा मस्ती कर लेते हैं हम लोग, वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों से शेयर करेंगे। राधे राधे। तो दोस्तों आज की सुबह में आप सबको स्वागत करती हूँ आज की नई एक ब्लॉग में। और दोस्तों हमारे घर में एक बहुत ही पॉपुलर समाज सेवी दादा आए हैं, तो उनका नाम है रामू शना सिन्हा। तो दादा अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, बोलिए दादा। नमस्कार भारती, मैं ऊपर से एक बात है, क्या है, आप जो तीर्थ यात्रा करके आई है ना, जो ये छोटा बहन ने, ये बहुत मनमोहक कर हो जाती है जो उसको देखता हो, जो श्री कृष्ण जी को नहाती है, उसको ड्रेस पहनाते है, तो मेरे घर में इसे नहीं होती है। वीडियो देखता हूँ उसका यूट्यूब चैनल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगती है, तो इसीलिए मैं उनका घर में आ जाए हूँ। मेरा नाम रामसेना सिन्हा हूँ, मैं गीतिस्वामी गोगुलानंद कला कृष्टि केंद्र का एक संपादक हूँ। दीर्घ 25 साल से जो समाज का साथ मैं लगा हुआ हूँ। फेसबुक में मैं भारती को मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है जो देखता है, जो वो करती है। तो दूसरा जो जननी है, औरत है, जो घरवाली है, वो भी सीखना चाहिए, वो एक प्रेरणा मिलता है उससे। तो मेरा परिवार को बोलता हूँ, देखो प्रभु का सेवा करना चाहिए। थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मैं गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो ये मेरे गोपाल है, आप तो देखते हैं इनको। जी जी जी, मैं यूट्यूब में बराबर देखता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, तो ये वृंदावन से लाई हूँ, इनको मैंने नाम दिया है कन्हैया। और यहाँ पर देखिए मेरे एक दो गोपाल, ये बहुत पहले से ही है, ये मेरे घर पे एक से डेढ़ साल हुआ है, मैं इनको लाई हूँ जन्माष्टमी के दिन लाई हूँ। अच्छा, ये भारती मैं और एक चीज देख रहा हूँ आपको। हाँ। ये जो जगन्नाथ बाबा, सुमित्रा और बलभद्र का जो देख रहा हो। हाँ। ये मूर्ति आप कहाँ से लाए हैं? ऑनलाइन से मैं लाई हूँ। ऑनलाइन से लाई है? ऑनलाइन से लाई, ये ज्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन हुआ है। अच्छा। मैं इनको लाई हूँ, मुझे बहुत पता नहीं, बहुत मन में ऐसा हो रहा था कि जगन्नाथ प्रभु को भी मैं घर पे लाऊं। ये बलभद्र है और ये उनकी बहन जगन्नाथ प्रभु। जगन्नाथ प्रभु, ये उनके आभूषण है। अभी मैं सबको स्नान कराऊंगी, स्नान कराकर मैं सबको ये सब पहनाऊंगी। और यहाँ पर मेरे गुरुदेव है और ये पर शिवलिंग है, आप देख रहे, मैं हरिद्वार से लाई हूँ। और ये छोटा सा मेरा एक, मतलब यहाँ पे आने से मुझे शांति लगती है, ये मन का शांति होती है, शांति होती है और अलग सा एक महसूस होता है, जो प्रभु का नाम लेके जो यात्रा करते हैं कहीं भी है। तो दोस्तों ये दादा ने कहा है कि मैं अभी एक लाइव करूंगा और मैं आपकी ये जो सेवा मैं सबको दिखाना चाहता हूं। तो मैंने बोला ठीक है आप लाइव कीजिए। तो उधर आप वो लाइव करें तो मैं उनसे भी थोड़ा बात करूं, इधर मैं काम भी करूं क्योंकि आज बहुत सारा काम है। तो इसीलिए मैं प्रभु को देखे स्नान करा कर मैंने कपड़े मैंने पहना दिया है और मैं उनके सभी आभूषण में मैं अभी पहना रही हूँ, जैसे चूड़ी पायल माला सब कुछ मैं पहना कर रख दूँगी क्योंकि आज थोड़ा दुख भी लग रहा है क्योंकि कुछ दिन दोस्तों मैं प्रभु को घर पर मैं रख कर हम जाएंगे। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिलचर में बहुत पानी है क्योंकि पाताकंदी से मैं सिलचर भी जाऊंगी, तो ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे पता नहीं। सो इसलिए मैं प्रभु की जो ज़रूरतमंद चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स पानी में सब कुछ रखकर जाऊंगी। बहुत बड़े साधु भी ऐसे कहते हैं कहीं अगर दूर जाना हो तो गोपाल को ले जाना ठीक नहीं है, आप घर पर रख के जा सकते हैं। सो इसीलिए मैं घर पर रख के जा रही हूँ। तो अभी दोस्तों कपड़े भी मैंने पैकिंग नहीं किया है, तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी करके मैं कपड़े भी बस मैंने रख दिया है, मैं शाम को सभी कपड़े मैं ट्रॉली पर रख दूँगी। और अभी देखिए मैं खाना बनाने आई हूँ, तो मेरे लिए तो वेज और मेरे बेटे और हस्बैंड के लिए, उनके लिए नॉन वेज, थोड़ा मतलब फ़िश है तो उनके लिए, तो इसलिए मुझे खाना बनाने में थोड़ा समय लगता है। मैं अपना खाना थोड़ा सेपरेटली रखती हूँ, तो उनके लिए मैं अलग से मैं खाना बना के मैं रख देती हूँ। तो बर्तन थोड़ा ज़्यादा निकलता है तो क्या करें, कोई उपाय नहीं, ऐसा तो करना पड़ेगा, परिस्थिति होता है उसे मानना तो पड़ेगा ही। तो आज मुझे थोड़ा शाम को भी निकलना पड़ेगा, थोड़ा मुझे बाहर थोड़ा काम है और बेटा भी ट्यूशन पे जाएगा। अभी काफ़ी समय बाद लौटी हूँ, एक्चुअली दोस्तों मैं अभी क्रिश्चियन बस्ती पर आई हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदना था और अभी बेटा और हस्बैंड आएंगे, बेटा ट्यूशन पर गया है तो इसलिए वो दोनों आएंगे तो एक साथ हम घर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने पैकिंग भी नहीं किया है अभी तक और रात के 10 बजे ट्रेन है, 9 बजे तो घर से निकलना पड़ेगा। मैं पहुँच गई हूँ और देखिए पैकिंग भी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखिए बेटा बैग लेकर जा रहा है बाहर, हमारा बड़ा वाला ट्रॉली है और यहाँ पर देखिए ये मेरी बैग। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, बहुत सुंदर है अंदर, तो बहुत सुंदर है दोस्तों। मैं पहले भी एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था अंदर, जिधर से हम जाएंगे अंदर, मार्च में आपने देखा था हम वृंदावन गए थे और आज दोस्तों लगभग
दो महीना हो गया है, मार्च दो तीन महीने बाद दोस्तों आज फिर से हम ट्रेन से हम जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं दोस्तों। फाइनली सीट पर बैठ गए हैं, मेरे साथ है देखिए पूना बनर्जी, यस मेरी स्वीट है। तो दोस्तों आज थोड़ा मस्ती करते करते आज हम जाएंगे। अपनी दादा को मैंने सीट पर भेज दिया और मैं अपनी भाभी के साथ बैठी, सीट चेंज कर दिया मेरे हस्बैंड के इसके सीट पे भेज दिया और मेरे पास आ गई है। आज थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों से शेयर करते रहेंगे वीडियो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो नेटवर्क मिलेगा नहीं, हम लोग खाली वीडियो बनाएंगे फिर कल को शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा तो दोस्तों आज के ब्लॉग में ही पर स्टॉप कर रही हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब पत्थरकंदी में। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक से देख रहे तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।